नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की हमारा अतीत भाग 2 के बारे में। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। 7वां चैप्टर था आपका जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसमें बात करेंगे ईश्वर से अनुराग। याद रखिए, मैं बार बार यही दोहराता रहा हूं कि आप लोगों इसे कहानी की तरह सुनना है या फिर कहानी की तरह पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बस एक बार अगर आप लोग मन से पढ़ते हैं तो। ठीक है, आप लोगों ने को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव हुआ होगा। आपने देखा होगा जो है, अगर आप लोग, फिर बोलता हूँ कि अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप लोग हैं तो बेहतर समझ में आ रही होंगी आपको ये से भी सभी बुक्स, क्योंकि आपने देखा होगा किसी घर में रामायण चल रही हो तो जब सीता का हरण होता है तब कई महिलाएं होती हैं फिर रोने लगती हैं, भावुक हो जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, वो अपना मैटर है। आगे बात करते हैं परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंततः चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मानता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पंडित पूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद्भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य संघ ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु दुर्गा के को परम देव देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। साथ ही साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों व देवियों को शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से, कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। चित देख देख रहे हैं आप लोग, भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पेस्ट है। आप लोगों को बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक लेक्चर देख रहा था तो किसी ने बोला था उसमें कि हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन जो आत्मा होती है, ये जो हमारा शरीर हम लोग नहीं देखते हैं, जो भी आप कह लीजिए, जिस चाहे आप लोग घमंड कह लीजिए, क्रूर कह लीजिए, बोले जो भी हम कर्म करते हैं ये हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है, ऐसे कुछ बता रहा था कोई ज्ञानी जो भी हो आप लोग, तो उसमें मुझे समझ में तो आया है वो सही बोल रहा है कि
कि मेरा शरीर तो गलत रास्तों पर चला के खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा एक दिन, लेकिन जो कर्म हमारा शरीर कर रहा है उसकी सजा हमारी आत्मा को मिलती है, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरती है, वो अजर अमर है। ठीक। और किसी ने पूछा था मुझसे ये भी कि गलत रास्ते पर चलकर जल्दी सफलता मिल जाती है और सही रास्तों पर क्लियर भी नहीं होती है कि सफलता मिले या ना मिले, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए, कुछ भी मिले, हाथ लगे, सफलता लगे या फेलियर, क्योंकि इस टाइम में सफलता गलत रास्तों पर चलकर सफलता पाना बहुत नॉर्मल है और 80 से 85% लोग यही करते हैं, लेकिन आपको सही रास्ते को चुनना है क्योंकि एक बार जिंदगी मिली हुई है, कुछ ना तो हमें ले जाना है बांध के ऊपर ना तुम्हें ले जाना है, लेकिन जिस दिन मरो उस दिन कम से कम अपने आप में शिकायत तो ना रहे कुछ। मैं तो कहता हूँ इस तरह जिंदगी जियो कि अपने जो भी किरदार मिले तुम्हें घर में, परिवार में, जिंदगी में, वो अपने एक तरफ से 100% दोष में, बाकी छोड़ दो सामने वाले पर। ठीक है। इससे ये रहता है कि हमें अपने आप से शिकायत भी नहीं रहती है, और हम अगर आज भी हमें मौत आ जाए तो हम यही बोलेंगे कि सब मेरी तरफ से ठीक है। ठीक है। तो अपने सही रास्तों पर चल के दो, मानो झूठ दुनिया बोल रही, तुम तो कम से कम सच पर डटे रहो, फिर कहावत नहीं है कि सच परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों को प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नैनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलेया और पनार जैसी आस स्पष्ट समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे इसमें। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी 20वीं सदी की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित हैं। वे समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूलों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, आसपास कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुंदरार, मणिक व सागर। उनके गीतों के 2 संकलन थे, तेवरम, तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे फेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंड रडी प्रोडी अलवार, नम्मा लवार, उनके गीत दिव्य प्रबंधम से मैं संकलित थे। धार्मिक जीवनी संत जीवनी लेखन संतों की जीवनियों का लेखन था। मणिक सागर की एक कांस प्रतिमा है, देख लीजिए। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांडव राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। मणिक को सागर की एक रचना, मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो, मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन,
तुमने मुझे संतावना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु, कष्ट और माया मोह हल लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम ही तुम में शरण ली और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। दर्शन और भक्ति। मैं आप लोगों को बताऊं, लोग रामायण सुनते हैं, रामायण देखते हैं, धार्मिक में इतने विलीन रहते हैं, लेकिन वो अपने आप ऊपर कभी फॉलो नहीं करते हैं इन चीजों। मैंने देखा है कई जगह कि मतलब आदमी उससे परिचित है, उसे जान रहा है सब, फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके उस रास्ते पर नहीं चलना चाह रहा। आदमी पता नहीं किस उसमें रहता है। दो या परमानेंट तो किसी को नहीं रहना है, इतना तो पक्का समझ लीजिए, ठीक है। अब अच्छा गलत करना, किसी के साथ गलत करना, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है जो लोग बोलते हैं कि मैंने उसे पागल बना दिया है, उसे झूठ बोलकर कुछ, यार क्या पा लिया? अगर कोई हमारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, हम उससे झूठ बोल लें और कुछ पा लें, हम तो सब दुनिया का सबसे अमीर बन जाओ आप, या सब कुछ पा लो, सब तरह की सफलता, क्या तुम संतुष्ट हो? ये संतुष्टि थोड़ी है कि इंसान है हम, कोई भगवान नहीं है। इसलिए भरोसा इस तरह की जो भी चीजें हैं समझते रहिए और अपने आप से मिलते रहिए कि आप कितने महान हैं। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माना माना माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपने अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। बात करते हैं वासवन्ना कबीर सेवावाद। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बासवन्ना और अलमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए बैरसेव आंदोलन में बीरसेव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर सैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपनी प्रबल तर्क प्रस्तुत की। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वैर सेवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए जो बासवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं क्या एक गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीत मंदिर है, सिर ऊपरी छत है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाला सदा चलती रहेंगी। महाराष्ट्र के संत। बात करते हैं महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं।
उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियां, तथा चोखा मिठा का परिवार जो आसपास समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पांडरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल का उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी समुदाय को जन्म दिया जो पांडरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता। विट्ठल संप्रदाय को भक्ति की शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रता पूर्वक जरूरत मंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटकर लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए फिर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में से लगाए रखना रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। जहाँ चोखा मिठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। नाथपंथी सिद्ध और योगी, पता है मुझे लगता है कि हमें ये किताबें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, जो भी हम लोगों ने शुरू से देखी हो, जब से हम पढ़ना शुरू किया था फर्स्ट क्लास से, जब भी हम लोगों ने देखी हो, इसी कहानी का रूप देकर हमें यही समझाने का कोशिश की गई है कि एक अच्छा इंसान क्या होता है, क्या करना चाहिए जिंदगी में। आपने देखा होगा सीख नहीं ली है वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपको आपके अंदर मानवता इंसानियत जगाने के लिए ही सब, एक अच्छा मानव अच्छा रास्ता चुनने के लिए ही हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन हम फिर बोल रहा हूँ कि वो हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, अपने ऊपर फॉलो ही नहीं करते हैं, कुछ चल रहा है चलते रहने दीजिए। आगे बात करते हैं, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्कवितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह आमतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्मों के लिए आधार तैयार किया जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ये आपके हैं, आपके आसपास तपस्वियों का समूह। इस्लाम और सूफी मत, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान सहजवादी थे, विधर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए
ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक केशवरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्रों के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रोमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को साफ सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर को देख रेख में जिक नाम का जाप, चिंतन समा गाना, रक्स नित, नीति चर्चा, साथ पर नियंत्रण और आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास। इस प्रकार अध्यात्मक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती है। यह आपके आनंदित सूफी कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नुईद्दीन बली वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। यह आपकी कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पेस्ट है। दक्कन पर्वती 15वीं शताब्दी में खानकाह सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे उसे क्या कहते थे? खानकाह। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों ने से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चलते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी ओलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती थी जिनसे आम लोगों को बीमारियों तकलीफों से छुटकारा मिल सकता था। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। यहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। सभी पृष्ठभूमियों के वक्त दरगाह पर जाते हैं। इस तरह मालिक प्रभु की कुछ। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामनिशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं मिला। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसन्ना से पूछा। वह एविसन्ना की पहुंच से भरे था। मैंने अपने दिल में झांका, वह उसकी जगह थी।
वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। आपको बता दें, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी चाहे किसी भी आप जाति के हो, फिर चाहे आप लोग मुस्लिम हो या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी के साथ गलत करिए। ये शब्द कहीं नहीं लिखा है। जिस अभी 21वीं सदी भली चल रही है, हम लोग आगे चले जा रहे हैं, समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम अपनी कहाँ जा रहे हैं, मानवता से हटके कहाँ जाते जा रहे हैं, मानवता इंसानियत सब गिरती जा रही है। क्योंकि जो धर्म ग्रंथ रचे गए हैं, ये किस लिए रचे गए? हमें अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, हमारे अंदर इंसानियत हो, मानवता हो, सभ्यता हो, कुछ हमदर्दी हो। इसीलिए तो सभी जो भी आपके ग्रंथ हैं, इनमें जिस तरह हजारों नदियां निकलती हैं, जाके समुद्र में मिलती हैं, इसी तरह ये है कि हर तरह से अपने अपने ग्रंथों में उनने समझाया है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन हम ग्रंथ कहाँ मार रहे हैं, तो 21वीं सदी में जा रहे हैं ना। एक बात याद रखिए, मुझे पता नहीं कि दुनिया कैसे चलती है, मैं शायद इस मामले में बेवकूफ हो सकता हूं, लेकिन इतना क्लियर है कि मैं अपने अच्छे मैं सही रास्तों पर चलूंगा, मुझे मंजिल मिलती है, सफलता मिलती है, ये बिल्कुल भी सोच के नहीं सोचूंगा, और मैं सही रास्तों पर चलूंगा, जो मिले वो मुझे मंजूर है। क्योंकि हमसे पहले कई इंसान हुए और डूब गए, आज उनका नाम भी पता नहीं किसी को। जो भी करिए अच्छे से करिए, इंसानियत की तरह, ठीक। और क्या उखाड़ लेंगे भाई, मैं अगर आज ना सुनूं, मैं उल्टा सीधा चलूं, मैं किसी के साथ भी गलत करूं, किसी से भी झूठ बोलूं, क्या उखाड़ लूंगा? कुछ नहीं। एक दिमाग में एक ऐसा टाइम लेते रहिए, 24 घंटा आप फ्री तो हो, क्या तुम्हारे मन में 5-10 मिनट मिलते रहिए अपने आप से, आखिर आप हो क्या, किस दिशा में जा रहे हो, वो भी तो देखते रहिए कि आप दौड़े पड़े हुए हैं, आपको खुद पता नहीं है कि मैं इंसान बचा हूं या हैवान बन चुका हूं। तो देखते रहिए अपने आप से, मिलते रहिए, ठीक है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सोमी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा और राज्यों का उद्भव हो रहा था, नए राज्यों का उद्भव हो रहा था, लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसा लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल में बंगाल के एक भक्ति संत थे, उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों की एक समूह को आनंद में नाश्ते करते हुए देख सकते हैं। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरों पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरित उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे, उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरावली, सूरसारावली साहित्य लहरी में संगीत हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे, जिन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है।
मुख भक्ति संत उनके जुड़े चेते, जैसे दादू 16वीं 17वीं शताब्दी में मीरा हो गई, 16वीं 17वीं शताब्दी नरसिंह मेहता, 15वीं 17वीं शताब्दी गुजरात, ठीक है, बाबा गुरु नानक 15वीं 16वीं शताब्दी रामदास हो गए, सूरदास हो गए, एकनाथ, तुकाराम, पुरंदादास, रामदास, चैतन्य, शंकर देव, नामदेव, जड़ेश्वर, वासवन्ना, मणिक सागर, रामानुज, नमलवार, ठीक है। शंकर देव की भक्ति का सार, एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्य या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल था। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पष्ट जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनको उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाज, रीतियों, नियमों को खुली चुनौती दी। एक गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय थे हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रयाग इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित बच्चे समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ इन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों में जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते थे, जनमानस को ध्यान ज्यादा आकर्षित करते थे। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत लोक लाज कोल्हा मर्यादा जग में मां जैक डा रख्यान री महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बसनो सहर। राणा जी थे क्या ने राखो में आंसू बैर बिखरो प्यालो रनम भेज्या पिया मीरा असारी बारना बाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो। राणा थे क्योंकि क्यों ने राखो महसू बैर मीरा बाई। तो भक्ति होनी चाहिए तो मीरा जैसी है। बात करते हैं कबीर। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में और उसके आसपास के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचनाएं तो कबीर ने ही की थी, परंतु ये घुमंतु भवन भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी बीजक में संगीत एवं सुरक्षित। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना अलह राम जियो तेरे नाय बंदे ऊपरी मेहर करो मेरी सन क्या ले माटी हुए सुन मारो क्या जब देह ने वाय।
जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण ब्यारसी करे चौबीसों, काजी महरम जो। 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पूर्वी दिशा हरि का वासा, पश्चिम अलय मुकामा, दिल की खोजी दिले भीतरी, यह राम रहमान। करगे का काम करते हुए कबीर साहब। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक देव। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत कहीं उन्हीं के सबकों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नाम से उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं हम लोग। ये धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक। देखिए 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था, लहना, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक की अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह का एक नई लिखी लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नामक के रूप के नाम से लिखी, नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1776 में इस बेहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थों और उपयोगी व उत्पादकों के पैसे से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुता स्वायत्त था कि आधुनिक इतिहासकार इस युग में के लिखे कि सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था की इसका निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया।
16वीं और 17वीं शताब्दियों की पहली हुई बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन का पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान, स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भलाई करना, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास, उपासना, ईमानदारी पूर्वक पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार गुरु विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी के समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतर्झोर यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक आपके मार्टिन लूथर थे। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च की अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन किया, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा की ओर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय अपने उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का एक शीर्षक पेस्ट आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए, वैसे भी टेलीग्राम पर डाल दिए गए। ठीक है, इसमें बात की हम लोगों ने वीर सैव संत के बारे मत के बारे में, भक्ति, सूफी, खानकाह, इन शब्दों को भी देखा है हमने। ठीक है, तो ये था आपका 8वां चैप्टर। मैं इसलिए बार बार यही कहता हूँ, आप जो भी काम करिए, कुछ भी काम, अरे उस पर 100% दीजिए ना भाई, समझ रहे हैं? मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों का मन है, आप किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है, आपकी मर्जी, आप जो रास्ता चुन सकते हैं चुनिए, लेकिन जो भी काम करिए 100% करिए कि हमारे काम खत्म होने के बाद हमारे हाथ में जो भी परिणाम आए उससे हमें संतुष्टि रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आज अगर इस रास्ते पर चल रहा हूँ तो मुझे इसी से कुछ शिकायत रह जाए, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। आप जिस जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए लास्ट में। ठीक, और जीतना हारना ये क्या होता है, ऊपर वाले में के नजरों में आप लोग कहां तक बच सकोगे? अगर ऊपर वाले को आप मानते हैं तो ऊपर वाले को हर समय अपने साथ पाइए, गलत काम करते समय भी किसी के साथ आप लोग धोखा कर रहे हैं या किसी को नीचा दिखा रहे हैं उस समय भी सोच लीजिए कि ऊपर वाला क्या दिखता होगा, सोचता होगा तुम्हारे बारे में। ठीक है, समझते रहिए आप लोग, जो भी लास्ट परिणाम तो सबका ही आपको निर्धारित है, अभी अच्छी तरह से जानते हैं कि लास्ट परिणाम क्या है हमारा। तो ये 8वां चैप्टर था ईश्वर से अनुराग। 9वें चैप्टर में बात करेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण देखेंगे।